अब बिल्कुल जामी भाई, देखें जैसा मैंने पहले भी कहा कि इंडियन कंडीशंस जो हैं वो ऐसी हैं कि यहाँ पे बड़े रन्स होंगे। इसमें 300+ रन्स जो हैं वो आप ये नहीं कह सकते कि ये आप बस मैच जीत गए हैं। उसके लिए भी आपको अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी, आपको हाफ़ जो चांसेस हैं उनको अवेल करना पड़ेगा। आप देखेंगे न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह से कल खेली है, वो मतलब उन्होंने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। अगर मैं समझता हूँ कि अगर वो 400 रन्स भी होते तो ऐसा लगता है कि वो चेस कर जाते जिस तरीके से उन्होंने खेला है। तो यहाँ पे देखें नेदरलैंड जैसी टीम, इसको बिल्कुल इजी नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। दे नथिंग टू लूज, उनके पास कुछ ऐसी चीज वो क्या याद है? एक चीज़ ये भी है कि ये वो टीम है कि जिसके अगेंस्ट हर टीम जो है ना ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करेगी, ऑब्वियसली कि छोटी टीम है और अपने रन रेट को बढ़ाने की कोशिश करेगी। ठीक है, माड़ी टीम है, उसके अगेंस्ट सारे सारे जिस तरह रेकॉर्ड है बोलते हैं, मेरे रेकॉर्ड है निकले। तो ये है कि पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छा चांस है कि इनके अगेंस्ट वो करें, लेकिन ऑन दी अदर हैंड दूसरी एक प्रॉब्लम की बात यह कि पाकिस्तान अपना पहला मैच खेल रहा है, तो पहला फोकस तो ये होगा कि हमने मैच जीतना है, नहीं फिर उसके बाद रन रेट पे जाएंगे। इस टीम को जीतने के लिए कम से कम कितने रन होने चाहिए? पाकिस्तान को 300 तो करने चाहिए यार, क्योंकि इंडिया में टूर्नामेंट हो रहा है, जिस तरह अजमल भाई ने बात की है, तौफीक जिस तरह बात कर रहे हैं, 350 रन अब विनिंग स्कोर है। पार स्कोर जो है आपका 325 है, इस पे आप जाके फाइट शुरू करोगे मेरे ख्याल से। अच्छी टीमें आपको पड़काएंगी क्योंकि बाउंड्रीज भी हैं वो एक साइड से छोटी हैं। देखिए जामी भाई, इसमें सबसे जो फैक्टर है और जो हम एज टीम एज मतलब अगर देखें आप, तो जो मिस कर रहे हैं वो है 10 ओवर से 40 ओवर्स का जो पावर प्ले है। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि हम लोग विकेट्स नहीं ले पा रहे उसमें एक, और ये एशिया कप में बिलखसूस हमने ये सफर किया। जी हाँ बिल्कुल, हमने पहले 10-12 ओवर में स्ट्राइक किया, चार आउट किए। लेकिन उसके बाद क्या होता है? इसमें मैं ये चीज समझता हूँ कि जिस मैच में मैं अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जिस मैच में ऊपर से नए बॉल से शाहीन अफरीदी आपको आउट करके नहीं देगा, उस मैच में आप स्ट्रगल करेंगे। क्योंकि देखें आप 10 से जो 40 में, अब एक लॉ है कि आपने 5 फील्डर सर्कल के अंदर रख दी, तो एक जो है एक फील्डर आपको, एक आपके पास बाउंड्री ऑप्शन बैटर के पास हमेशा रहता है, जो कि वो उस 10 से 40 ओवर्स के दरमियान वो अवेल करते हैं बैटर्स जो भी हैं। तो आपने जब 5 फील्डर अंदर होंगे तो ऑब्वियसली बॉलर पे प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, आपको एक फील्डर पीछे आप नहीं ले सकते, तो वो बाउंड्री ऑप्शन आपका एक हमेशा खुला रहता है। तो वो उस ओवर्स के दौरान जो टीम भी अच्छा परफॉर्म करेगी या विकेट्स लेगी या रन्स जो है वो कंटेन करेगी, वो टीम के पास ज्यादा चांस होगा मैच जीतने का। ठीक जनाब, कोचेस पाकिस्तान के टीम पहली बार इंडिया खेले ये वाली, इससे पहले पाकिस्तान के जितने भी स्क्वाड्स रहे वो हमेशा दे हैड बीन टू इंडिया खेलते रहे। चूंकि इंडिया के साथ हमारी क्रिकेट जो है उसमें इंडिया की हठधर्मी की वजह से प्लेयर्स नहीं आ जा सकते, बायलेटरल सीरीज नहीं होती, तो इसलिए उनका उनके पास एक्सपोजर नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ खेलने का, पहली दफा जा रहे हैं और कोई 10 साल बाद पाकिस्तान प्रॉबेबली वहाँ पर खेल रहा है, तो मुंडिया तो कोई प्रेशर भी होगा? प्रेशर मेरा ख्याल नहीं होना चाहिए था क्योंकि ऑडियंस नहीं होनी है। आपस में खेलना है तो मेरा ख्याल प्रेशर एक चीज इनको पता नहीं है, पाकिस्तान के 4 मैचेस का सोल्ड आउट है। पहले 4 मैचेस का सोल्ड आउट है। हां जी, बस शादी दे प्रेशर तो अलावा और प्रेशर ना को लेना बस। हां ये भी एक टेंडेंसी रही है ना। जी 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 जी, इंडिया के साथ। हां जी, हमेशा ऐसी कप लेके आइए ना, आइए ਅਸੀਂ ਉਥੋਂ ਗਿਫਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ। ਭਾਬੀ ਭਾਬੀ ਅਲੱਗ ਹਾਂ, ਭਾਬੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਵੈਸੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਅਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰਨ, ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਰਮ ਅਪ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਭਾਏ ਹਰ ਮੈਚ ਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਸਰਾਵਤ ਭਾਈ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੇ ਇਹ ਮੈਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਮੇ ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना चाहिए कि जी वीक टीम है तो आप उस पर बिल्कुल ही हल्ला बोल दें। अपनी जो आप जिस तरह की क्रिकेट जिस पैटर्न से खेलते हुए आ रहे हैं, आपको उसी पैटर्न से क्रिकेट खेलनी चाहिए। भी गाल कर रहे ने। वो कह रहे ने वार्म अप हो। अच्छा। नहीं नहीं, मैं इस मैच की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो टेंशन ना, वो उन्होंने मुंह अचानक वार्म अप, वार्म अप तो गेम्स हमारी हो चुकी है, फिर भी होना चाहिए था। मैं कह रहा हूं वो कह रहे टेक टेक दिस मैच एज अ वार्म अप मैच। सही बात है, ये कोच कोच कह रहे हैं। मैं तौफीक की बात को सेकंड करूंगा बिल्कुल, जो ये कह रहे हैं कि सखावत भाई ने जो बात वो उन्होंने वो बात की तो नहीं है, लेकिन उनके कहने का मकसद यही है कि 350 करो वार्म अप हो। मैं कह रहा 350 भी थोड़ा है, कम से कम 800 स्कोर करो तो आराम ना सोचा। जिस टीम के कोच है ना वो 700 भी कर ले फिर भी हार जाए। नहीं, वो आप देखें ना, इतना बड़ा जुल्म हुआ, मंगोलिया को खिला दिया आपने,
एशियन गेम्स में मंगोलिया को आपने स्टेटस दे दिया, नेपाल के खिलाफ मैच हुआ उन्होंने रिकॉर्ड दे मारा, 20 ओवरों में 300 प्लस रन मारे, एक लड़का उनके वांडोन आया उसने 9 गेंदों पे 50 मार कर दिया और एक ने कोई 20-30 गेंदों पे सेंचुरी मार दी और वो 40 पे टीम बुक हो गई, उनको बेचारे बल्ला फड़ना नहीं आता। तुसी मंगोलिया नूं क्यों नहीं क्रिकेट सिखांदे? मैं वो मेरी मानदा नहीं, मैं कोशिश की काफ़ी ज़्यादा, मेरे हिसाब के नाल जिवें सारे कह रहे हैं कि टीम देख के उसके वजन के हिसाब ना खेल, सानू तैयारी करके ग्राउंड च उतरना चाहिए। मैं क्या भी टीम के हो जी है कमजोर है फिर भी मैच जितना नहीं पाते। अच्छा ये पूरे शो के दौरान ना एक अद्धी बार बहुत सिरे रोणगे भी बिच की वजह कि जित जाइए बारिश मंगन लग पी के चलो बराबर ही। वैसे बारिश की बात बताऊं, सिर्फ 3% चांस है बारिश को भी की वो ना होने के बराबर है। अच्छा। थोड़ा बहुत बादल ऊपर रहेगा। अच्छा यानी वो भी साड़े को बेनिफिट कोई नहीं? नहीं वो भी नहीं। कोई गल नहीं, लो जी पाजी मेरी टीम सुन रही है साड़ियां दुआवां तुहाडे नाल ने, हिम्मत तुसी करनी सिर्फ दुआवां दा काम नहीं। बिरयानी तुहानू मैच जीतण तों बाद भी पेश कीती जा सकदी, वो भी हैदराबाद क्योंकि दे आर प्लेइंग इन हैदराबाद। ये पहला मैच हैदराबाद के खाने क्या कहने, वाह वाह। और टीम पाकिस्तान ने माशाल्लाह अपना आगाज क्रिकेट मैच जीतने से तो अभी आज करेंगे, लेकिन जो खाबू का आगाज है वो जब से वहां पहुंचे हैं क्या बात। वो तो उन्होंने जानते फीता कटता सी, कटता सी, जम जम खाओ लेकिन उन्होंने ना हजम भी कर लो। अच्छा पहला मैच हैदराबाद है, दूजा सखर, तीसरा शिकारपुर, चौथा इंडिया का हैदराबाद जो है। अच्छा उठे खेल रहे हैं इंडिया का, राजीव गांधी स्टेडियम है, इंटरनेशनल बड़ा अच्छा स्टेडियम है, नया स्टेडियम है, 7-8 मैचेस यहां। लो जी ऐस मैच नु मैं एक कह सकना कि जीतनगे, जीतनगे जी। ए ताडी पेशनगोई, पेशनगोई तानो कोई डर तो नहीं? नहीं मैंने डर नहीं, मैंने डर सिर्फ करो ही है। सखावत साहब माशाल्लाह क्रिकेट के बीच ना दा बड़ा एक चाम रहा सर। अच्छा मेरा तो काफी काफी पुराने मैचों चौके छिके ते नच के आंदा भाजी, चौके छिके ते नचना महंगाई जिन्नी सिंगल ते बारह नहीं खाता। बात भी ठीक है, नहीं ये बात है। फिर भाजी मेहनत करनी पैदा, मेरा बैट भाजी मैं जिस बैट ना खेलता हुंदा सी ना वो विकिया बकायदा, लोगों ने ऑक्शन हुई उसकी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा वाह, सब तो लो रेट से बिके माशा। हाँ बोली थले वो फर्स्ट आया। अच्छा अच्छा फर्स्ट तो आए ना? हाँ फर्स्ट आए जी, नीचे से जी ऊपर से। हनी भाई माशाल्लाह लक बड़ी कम करती। कौन सा लक? गुड लक। नहीं मैं वो पंजाबी वाला लक पतला नहीं। अच्छा गुड लक। हनी भाई रेस के विच कल्ले दौड़े, रेस दौड़ी इन्होंने। हाँ कल्ले। अच्छा फिर सेकंड आए। बिला मुकाबला हारे। अच्छा इलेक्शन भी लड़ा है? बिला मुकाबला हारे। अच्छा कोई खलोता भी नहीं हार गए। देखो जी किसी को टाइम नहीं खिलोण दा, खड़ोई मेरी गल सुनी खलोदा हर बंदा दौड़ भज रहा है। वैसे ऐसी जी अपना मैच के बारे में यासर बासे भाई, यासर भाई थोड़ा सा वापस आ जाए, आ जाए वापस मैच पे, क्योंकि उसकी वजह यह कि कोई आधे पौने घंटे में टॉस होने जा रहा है हैदराबाद में और पाकिस्तान के पहला मैच है। यासर हमीद साहब कुछ कहना चाह रहे थे, आप ओपनर्स की अगर हम बात कर लें, अब जरा तीन सवाल हैं बड़े अहम। ओपनिंग हमारा मसला है और 10-40 ओवर्स में विकेट ना निकालना मसला है, और जो हमारा पेसर मेन जो शाह साहब बीमार हुए इंजर्ड हुए उनकी एब्सेंस है। आप दोनों चूंकि बड़े शानदार ओपनर भी रहे, डेब्यू में सेंचुरी जड़ी है आपने, क्या सुजेस्ट करेंगे व्हाट शुड बी दी ओपनिंग कॉम्बिनेशन पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट मैच या सिर्फ फर्स्ट यू? देखिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब्दुल्ला शफीक उसको हमने ट्राई किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझता हूँ कि एक वार्म अप मैचेस में जिस तरह उन्होंने विकेट दिए ना थोड़ा सा इरिस्पॉन्सिबल था। मतलब अगर आपको आपने एशिया कप में अच्छा किया है आप वार्म अप मैचेस में थोड़ा सा अपना फॉर्म शो करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करो, तब जाके फिर आप फखर जमान जैसे प्लेयर को या इमाम जैसे प्लेयर। आपकी प्लेयर क्या पिक है आज ओपनर किसे होना चाहिए, दो ओपनिंग बैट्समैन कौन से होने चाहिए आज के मैच? आई थिंक दिल गो विद फखर एंड इमाम। फखर को चांस देना चाहिए? आई थिंक देना चाहिए। तौफीक भाई बिल्कुल जामी भाई मैं भी यही मेरा होगा यही पेयर है फखर एंड इमाम, क्योंकि ये एक ऐसी गेम है जिसमें आप फखर अगर परफॉर्म करता है और वो फॉर्म में उसकी वापस आता है तो अब आगे वाले मैचेस के लिए पिच रिपोर्ट दे दूंगा जो मैंने दी जो पिछले एनालिसिस के बेस पे। आप पोमी मंगवा मुझे नजर आ रहे हैं, देखें क्या कह रहे हैं थोड़े से। अच्छा जैसे ही आते हैं हम आपको दिखा भी देते हैं
अभी पिच रिपोर्ट भी आ रही है और एज प्रडिक्टेड जो हम आपसे पहले अर्ज करे थे जो सीक्वेंस राइस ग्राउंड का हाई स्कोरिंग ये एक विकेट है हैदराबाद की राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की और पहले मैंने आपसे अर्ज किया कि यहाँ पे 288 एवरेज स्कोर है और हाई स्कोर यहाँ पे 340 रहा है 350 रहा है जो ऑस्ट्रेलिया ने किया था। देखिए तौफीक भाई का कमेंट लूं ओपनिंग वाला सवाल रह गया था आपकी क्या चॉइस होगी आज फखर एंड इमाम जी फखर एंड इमाम इमाम जी ठीक लीजिए जी ये पोमी मंगवा और शेन वाटसन थे एक्सपर्ट्स के तौर पर पिच पे उतरे हैदराबाद की और वो शेन वाटसन बता रहे थे कि पाकिस्तान जब भी पहले बैट करता है तो इतने परसेंट चांसेस यानी हाई चांसेस होते हैं कि पाकिस्तान वो मैच जीतता है तो आई थिंक जो भी टॉस जीतेगा उसे पहले बैटिंग करनी चाहिए हाई स्कोरिंग भी उसे डिक्लेयर कर रहे हैं फ्लैट ट्रैक है नाइसली रोल्ड ट्रैक है स्मूथ ट्रैक हमें नज़र आ रहा है शाइन है अच्छा एक सनी डे है कोई बारिश का इम्कान भी नहीं है दूर दूर तक हल्के फुल्के बादल शाम को आएंगे ह्यूमिडिटी यहाँ पे कोई 57% रहेगी दिन में और रात को 72% हो जाएगी ऑल इज़ वेल अच्छा खूबसूरत स्टेडियम और अच्छा मौसम होगा जिसमें पाकिस्तान टीम ये मैच खेलने जाए नीदरलैंड के खिलाफ हमारे पैनलिस्ट का कहना है कि फ़खर और इमाम के साथ हमें जाना चाहिए ओपनर के तौर पर और नसीम शाह के जा किसे खिलाना चाहिए मेरे ख्याल से हसन अली को ट्राई करना चाहिए पहला मैच है बिल्कुल क्योंकि हसन अली को ही वो खिलाएंगे आई थिंक क्योंकि वो जो प्रैक्टिस मैचेस हुए हैं उसमें उसने अगर आप देखें तो हारिस रऊफ को भी वहाँ पे मार पड़ी है लेकिन हसन अली ने 7 ओवर्स में बड़े अच्छे उसने अपनी जगह पे बॉलिंग की है और उसको वो काफ़ी कंसिस्टेंट नज़र आया उसमें तो आई थिंक हसन अली को जो है वो चांस देना चाहिए आज ठीक कोचेस क्या कहते हैं ये थोड़ी सी ब्रेक के बाद क्योंकि मिसाल लेना है